सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो 14 फरवरी को क्या हुआ था। बहुत ही दुखद घटना है हमारे इंडिया के लिए बेसिकली। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हुआ क्या डायरेक्टली, सब लोगों के जो देशभक्ति है एक दिन के लिए पूरी जाग गई। स्टेटस धड़ाधड़ बदलने लगे। क्यों बदलने लगे भैया? राहुल ने जल्दी से स्टेटस बदल दिया है, देशभक्ति के ऊपर लगा दिया है, मुझे उसे हरा के रहना है, उससे अच्छी लाइन वाले, उससे अच्छे इमोशनल मेम्स मुझे लेकर आने हैं, और जल्दी से जल्दी मुझे 6 से 7 स्टेटस चेंज कर देने हैं। ऐसी फिर देशभक्ति देखने को मिली हमें। यहाँ तक ये देशभक्ति देखने को मिल रही है कि भैया गूगल पे अगर आप देशभक्ति डालो तो देशभक्ति मेम्स ट्रेंड कर रहा है वहाँ पर। यानी कि हम लोगों ने त्यौहार बना के रखा है इसे कि जब किसी की जान चली गई है, हम डायरेक्टली देशभक्ति दिखाना है। देशभक्ति दिल में नहीं लानी है, दिखाना है लोगों को कि देखिए कितने बड़े देशभक्त हैं हम। मतलब जो 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 जवान हमारे मारे गए हैं उनसे बड़े देशभक्त हैं हम। और हमारी देशभक्ति सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस तक रह जाती है, इंस्टाग्राम स्टोरीज तक रह जाती है सिर्फ हमारी देशभक्ति। ऐसी देशभक्ति, अरे धड़ल्ले से भैया डीपी भी चेंज होने लगी, काली से काली हो गई, ब्लैक हो गई, ब्लैक रिबन्स वगैरह हो गए। देखो मैं किसी पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन यार क्या आप लोगों ने मजाक बना रखा है सच में। आज आज नंबर ज्यादा है, 40 लोग मरे हैं, इसलिए आप लोग के अंदर देशभक्ति जाग गई। अभी दिसंबर और जनवरी में 2 जवान मरे थे, तब आप लोग की देशभक्ति नहीं जागी थी? तब आप लोग को नहीं याद आया था कि उनके लिए स्टेटस चेंज करना है कि नहीं करना है? या ये तो प्रेजुडाइजेशन हुआ। आज नंबर ज्यादा है, 40 लोग मर गए, तो आपके अंदर देशभक्ति जाग गई। देशभक्ति क्यों जागी मैं बताऊं डायरेक्टली, क्योंकि लोग स्टेटस चेंज कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या समझेंगे, इसलिए हम लोग स्टेटस अपने चेंज कर रहे हैं। यार दिल में अपने अपने दिल में इनके लिए कुछ अगर लगाव है, कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हो, दिल से दो, समझे ना। ये स्टूपिडिटी मत करो। एक नया ट्रेंड, 26/11 यानी कि जो अमेरिका से चला था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद, कैंडल मार्च निकालना। अब ये बड़ा बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल चुका है। बल्कि कल मैंने देखा लोगों को कि मतलब कैंडल हर मार्च, हर गली मोहल्ले में मार्च निकल रहा है, हंसते हुए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, एक हाथ में कैंडल एक हाथ में सेल्फी ली जा रही है। कैंडल मार्च निकालने वाले से पूछना चाहूंगा, इससे क्या फायदा होगा सैनिक के परिवार को? सैनिक के परिवार को क्या इससे मिल जाएगा? 200 किलोमीटर दूर तुम कैंडल जला रहे हो, उससे उनके घर में जो अंधेरा छाया हुआ है क्या उसमें उजाले में कन्वर्ट हो जाएगा? या उस पिघले हुए मोम से वो समोसे खाएंगे लगा के? ये मुझे ज़रूर बताना। आप लोग जो भी कैंडल मार्च निकाल चुके हो या निकालने जा रहे हो, मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। जो 10-10 रुपये, 5-5 रुपये जो आप लोग खर्च करोगे मोमबत्ती के ऊपर, दुनिया वालों को दिखाने के लिए, देखो हम भी बहुत ही बड़े देशभक्त हैं और आज हम सड़कों पर निकलेंगे मोमबत्ती जलाने के लिए, क्या वो 5 और 10 रुपये का फंड क्रिएट करके आप उनके परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकते हो? नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों ने निकाला है कैंडल मार्च, तो आज मुझे भी दिखानी अपनी देशभक्ति। हम भी निकालेंगे अपना कैंडल मार्च और लोगों को दिखाएंगे सड़कों पर। अगर आप अगर सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जलाना चाहते हो, तो जिस जगह कमरे में बैठे हो उस जगह पे मोमबत्ती जला सकते हो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा जी। उसमें हम लोग को हाइप कहाँ मिलेगा, मीडिया क्रिएशन कहाँ मिलेगा, सोशल एक्टिविटी कहाँ मिलेगी वहाँ पे? फैशन स्टेटमेंट है भाई, सड़कों पर निकलना, लोगों को दिखाना कि कितने बड़े हम देशभक्त हैं, कैंडल जला रहे हैं। ये चीज़ देशभक्ति अपने पास रखें कि वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है। तो प्लीज़ अपने पुराने एक्टिविटी में आने से पहले किसी को यार दिखाओ ना दिखावा मत करो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वैसे नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अपने भाई का, जो मेरे बुआ का बेटा है, उसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। कल मैंने एक स्टेटस डाला था कि 500 रुपये आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट करो तो हम लोग डायरेक्टली मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं उनकी फैमिली को। किसी का भी मैसेज नहीं आया दोस्तों, किसी का भी मैसेज नहीं आया है। आज 150 से ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पर, किसी एक का भी मैसेज नहीं आया है। जबकि मेरे बुआ के बेटे ने 500 रुपये डोनेट किए हैं मुझे बिना बताए। वो डायरेक्टली मैं बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर सपोर्ट करना है तो इस तरह से सपोर्ट करो। ये आप लोग जो नौटंकी फैला रहे हो ना, ड्रामा क्रिएट कर रहे हो ना, अपने इडियट स्टूपिडिटी दिखा रहे हो ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मॉरल सपोर्ट देना तो इस तरीके से दो जिससे किसी का फ़ायदा हो। ये आप लोग के 200 किलोमीटर दूर मोमबत्ती जलाने से सैनिक के परिवार को कुछ मिलने नहीं वाला। उन लोग को भी दिखना चाहिए कि एक सैनिक जो 135 करोड़ फैमिलीज को बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है, आज 135 करोड़ फैमिली, 135 करोड़ लोग एक एक रुपए भी अगर फंड के लिए जोड़े हैं ना उनके लिए, तो 135 करोड़ का फंड क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की जा सकती है। कम से कम ऐसे लोगों को बहुत ही हेल्प की जा सकती है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, उनको कम से कम ऐसा ना लगे कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा इन सेल्फिश 135 सेल्फिश लोगों की वजह से मारा गया है, समझे ना। तो अगर सपोर्ट करना है तो इस तरीके से करो। तुम लोगों को पता नहीं होगा, पाकिस्तान में आतंकवादियों को वहाँ की जनता सपोर्ट करती है कश्मीर में अटैक करने के लिए। कम से कम एकजुटता दिखाओ और मॉरल सपोर्ट दो। अपना स्टेटस चेंज करके स्टुपिडिटी मत करो। देखो अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मैं इस पर वीडियो कभी वैसे क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की स्टुपिडिटी देख कर आज मुझे क्रिएट करना पड़ा। अगर किसी को बुरा लगा हुआ हो, आई डोंट केयर, मैं चाहता था कि आप लोग को बुरा लगे, ठीक है ना। तो बस
अगर अभी भी आपके अंदर इतने से भी इंसानियत जागी हुई होगी तो प्लीज़ फंड क्रिएट करो, उनको सपोर्ट करो, और ये स्टुपिडिटी करना बंद करो, कैंडल मार्च हो वगैरह वगैरह की।